पंचायत सचिव घर घर बांटेंगे मास्क। ICSE की 10वीं की बोर्ड परीक्षा हुई रद्द। राहुल गांधी कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। अगले 3 सप्ताह बेहद होगा नाजुक। बिहार के बड़े अस्पतालों में जांच व इलाज दोनों बाधित। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया व गया में स्वास्थ्य सेवा ठप होने के कगार पर। बिहार में एक दिन में आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा। 10,455 आंकड़े पहुंचे। कोरोना काल में सुकून भरी नींद के तरस रहे हैं लोग। पराली और भूसी से कोविड अस्पताल बनाकर फोर्ब्स टॉप 30 में आई श्रुति। कोरोना ने फसल सहायता योजना की रोकी रफ्तार। एक ही समय के सैंपल के एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव और RT-PCR निगेटिव। संक्रमित पुलिसकर्मियों के लिए हर जिले में होगी गाड़ी। यूपी की तरह बिहार की मदद क्यों नहीं कर रहा है केंद्र, तेजस्वी का ट्वीट है। अस्पताल में नहीं मिल रही है रेमडेसिविर, बाजार में ऊंचे दाम पर बिक रही है। स्कूल से जुड़े आवेदन पर कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय को भेजा निर्देश। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पहुंचेगा नल का जल। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। बिहार में एक दिन में 10,000 से ज़्यादा की आंकड़ा पार हो गई है। कोरोना का कहर इस तरह सा है कि रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, प्रतिदिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बीते दिन 10,455 संक्रमित मरीज मिले, रिकॉर्ड संक्रमित मिले। मंगलवार को बिहार में 51 लोगों की मौत हो गई। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 10,455 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान मंगलवार को हुई। राज्य में एक दिन में 1,06,156 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 10,455 मरीज जो हैं संक्रमित पाए गए। वहीं 24 घंटे में 3,577 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 51 लोगों की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने बताया कि पहली बार राज्य में एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 का पार हो गया है। उन्होंने इसे चिंताजनक बताया है। गौरतलब हो कि राज्य में एक दिन पूर्व 7,487 संक्रमित मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 28.238% दर से संक्रमण बढ़ा है। 56,354 सक्रिय मरीज हो गए हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर 82.99% हो गई है। पटना में सर्वाधिक 2,186 मरीज कोरोना से संक्रमित मिले हैं। यह बिहार के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है, चिंताजनक माहौल है। इस स्थिति में हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। भीड़भाड़ से दूर रहें। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। इधर बिहार में सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ICSE की 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं की परीक्षाएं 16 अप्रैल को जारी सर्कुलर्स के मुताबिक ऑफलाइन होगी। सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार भी टाल दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर बोर्ड के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE ने 10वीं के बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी। ये 4 मई की होनी थी। हालांकि 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की गई है, लेकिन इसका विवरण बाद में जारी किया जाएगा। इधर सिविल सेवा परीक्षा का भी साक्षात्कार रद्द कर दिया गया है। छपरा के अस्पताल से 19 संक्रमित बाल कैदी जो थे वह भाग गए हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हुई है। कहा जा रहा है, देखिए, हिंदुस्तान अखबार ने अपने प्रथम खबर बनाई है, अगले 3 सप्ताह बेहद नाजुक समय होगा, सख्त नियम की जरूरत। बयान के अनुसार
लोगों को आवाजाही पर कड़ी पाबंदी, ज़्यादा भीड़ लगाने पर पाबंदी, बाजारों में निश्चित समय तय करने समेत सख्त नियम लागू करने की जरूरत है। नई दिल्ली से एक खबर निकली है विशेष संवाददाता के द्वारा। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर बीके पाल ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना संक्रमण के लिहाज से अगले 3 सप्ताह बेहद नाजुक हो सकते हैं। इसके चलते केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना जांच बढ़ाएं और गंभीर हालात देखते हुए अगले 3 सप्ताह के लिहाज से अपनी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों के ढांचों को मजबूत करें। ढांचा क्या मजबूत होगा, बिहार की स्थिति देखते हैं अखबारों में क्या बताया है। पटना एम्स, PMCH, NMCH में बड़ी संख्या में डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं। बिहार के बड़े अस्पतालों में जांच व इलाज दोनों बाधित हो रहा है। कोरोना विस्फोट बिहार में लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण की जद में बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी आ रहे हैं। इससे पटना के बड़े अस्पतालों में जांच और इलाज प्रभावित हो रहा है। 90% से ज़्यादा स्टाफ संक्रमित होने के बाद कई निजी क्लिनिक और अस्पतालों का संचालन मुश्किल होने लगा है। कई बंद होने के कगार पर भी है। संक्रमण की चपेट में आने के बाद ज़्यादातर डॉक्टर होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन और दवा के संकट से जूझ रहे राज्य के मरीजों की मुश्किलें और बढ़ गई है। ऑक्सीजन की कमी से निजी अस्पताल पहले ही मरीजों की भर्ती करने में आनाकानी करने लगे थे। अब कोविड के साथ अन्य गंभीर मरीजों के इलाज में भी मुश्किल शुरू हो गई है। तो जहां डॉक्टर और अन्य कर्मी अगर संक्रमित हो तो इलाज कौन करेगा, यह बेहद सोचने वाली बात है। इधर लालू प्रसाद की जेल से रिहाई में हो सकती है देरी। लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें जेल से बाहर आने में अभी 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा। राज्य में वकीलों के खुद को न्याय कार्य से अलग रखे जाने के कारण ऐसा हुआ है। जो कोरोना के कारण जो हो रहा है, इसके कारण और देर होने की 1 सप्ताह की देरी बताई जा रही है। इधर बात कर ले एक महिला की, श्रीमती पांडे यानी कि श्रुति पांडे, पटना में बीते वर्ष महज 80 दिन में इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल तैयार कर ली है। बिहार के राजधानी पटना में बीते वर्ष महज 80 दिन में इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल बनाने वाली गोरखपुर की बेटी श्रुति पांडे को दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया की टॉप 30 मेधावी छात्रों में शामिल किया है। 30 साल से कम उम्र की कैटेगरी में श्रुति को इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मान दिया गया है। इधर बात कर ले कोरोना के कारण फसल सहायता योजना भी रोकी, रफ्तार उसकी कम कर दी हो गई है। साथियों की मौत के बाद जांच नहीं कर रहे हैं कर्मी, सहायता राशि मिलने में अभी और होगी देरी। 34 जिलों में फसल को हुआ है काफ़ी नुकसान। यानी कि देखिए, कोरोना का संक्रमण इतना बड़ा है कि हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ रहा है। 2 साल पहले शुरू हुई थी यह योजना जो है फसल सहायता योजना, यह 2 साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इसकी रफ्तार अब धीमी हो गई है। देखिए थोड़ा सा यह क्या है जाँच में, इसकी बात हम लोग कर लें। एक ही समय के सैंपल के एंटीजन टेस्ट, एक ही समय में लिया गया 2 टेस्ट, एक जांच किया गया एंटीजन टेस्ट से जांच किया गया, दूसरा RT-PCR से भी जांच किया गया। एक में रिपोर्ट आता है पॉजिटिव और एक में आता है निगेटिव। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आता है और RT-PCR से निगेटिव आता है, या क्या खेल है समझ में नहीं आता है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इसकी जांच की रिपोर्ट को लेकर भी लोग परेशान हैं। सरकार की ओर से अधिकृत लैब या अस्पताल के माध्यम से कराए गए एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव और RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। कोरोना से संक्रमित होने के लक्षणों के बावजूद सरकारी जाँच सिस्टम के कारण मरीज का सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है और वो होम आइसोलेशन में रहने के लिए मजबूर है। इसके कई बार मरीजों की हालत और बिगड़ती जा रही है। तो इस तरह से जांच में भी लापरवाही शायद बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने रामनवमी की दी बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रामनवमी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित किया है। आप नेता का निधन, पार्टी ने जताया शोक। आम आदमी पार्टी बिहार के प्रभारी स्वविधायक संजीव झा और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत ने बिहार के पार्टी नेता अनंत केसरी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कहा है कि अनंत केसरी के निधन से आप बिहार को अपूर्णीय क्षति हुई है। संक्रमित पुलिसकर्मियों के लिए हर जिले में होगी गाड़ी।
या बेहतर है जो पुलिसकर्मी संक्रमित होंगे उनके लिए विशेष गाड़ी होगी। हर जिले में नोडल अफसरों की सभी जिलों में गाड़ी का इंतजाम करने को दिए गए हैं आदेश। पुलिस मुख्यालय में काम करने वालों के लिए 4 बेड का आइसोलेशन सेंटर, कोविड अस्पताल के डॉक्टरों के संपर्क में रहेंगे पुलिस के आला अधिकारी, अस्पताल के साथ संपर्क में रहेंगे पुलिस अधिकारी। ओछी राजनीति न करें राहुल गांधी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि कोरोना में कांग्रेस युवराज कम से कम ओछी राजनीति करने से बाज आएं। अस्पतालों में नहीं मिल रही है रेमडेसिविर, बाजार में ऊंचे दाम पर बिक रहे हैं। आज देखिए कि इस महामारी में बहुत लोग लाभ भी ले रहा है तो बहुत लोग सहायता भी प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस दुखद स्थिति में लोगों को यह सब गलत काम नहीं करना चाहिए। स्कूल से जुड़े आवेदन पर कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय को भेजा निर्देश। मामला स्कूल शिक्षकों के फोन नंबर व नाम विद्यालय की दीवार पर डिस्प्ले करने का, संघ के आदेश पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री से की थी गुहार। संघ ने जो है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने मुख्यमंत्री से और शिक्षा विभाग से गुहार लगाई थी कि जो स्कूलों के डिस्प्ले बोर्ड पर शिक्षकों के नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर लगाने की जो बात की थी उसको, इस आदेश को वापस लेने की बात की कही गई थी, जिस पर विश्वविद्यालय को यह निर्देश भेजा गया। इस पर जांच करने के लिए शिक्षा विभाग का कहना है विभाग ने कार्रवाई के लिए BRA बिहार विश्वविद्यालय को भेजा है। बिहार की पहल से शिकायतकर्ता भी हैरान है। 22 जनवरी को संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र, सोमवार को मिला जवाब। तो इस तरह से जो बिहार में इस तरह की बातें हो रही है, विश्वविद्यालय पर सोचने की मजबूर की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पहुंचेगा नल का जल। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका नल का जल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पहुंचेगा। देखिए बात कर ले औरंगाबाद की, आज कुछ खबरों की, तो 2 डॉक्टर और महिला कर्मी सहित जो है 31 पॉजिटिव पाए गए हैं। अम्बा की ये बात है। औरंगाबाद की बात करें तो 500 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 2754 पहुँच गई है। कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन नहीं करने से बढ़ रहे हैं मरीजों की संख्या। निश्चित तौर पर जब अगर हम इस बात का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर समस्या बढ़ती है। देखिए बाज़ारों पर भी कोरोना का असर पड़ा है। बाज़ार में हर तरफ घबराहट भरी खरीदारी हो रही है। लोग अकबकाहट में खरीदारी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में खरीदारी कर रहे हैं और अपने घर को लौट रहे हैं। कोरोना संकट के घर आने के बाद राज्यों द्वारा लगाए जा रहे लॉकडाउन से उपभोक्ताओं का विश्वास डगमगाया है। इधर शेयर बाजार ने शुरुआती बढ़त गंवाई है। कोरोना से 12% कम हुए डीजल की मांग। देश के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद, वाणिज्य सचिव। उद्योग और सरकार के बीच विश्वास जरूरी, सीतारमन का ये रिपोर्ट आया है। जीत के लय बरकरार रखने उतरेंगे चेन्नई के सुपर किंग्स। मिश्रा को 4 विकेट, दिल्ली ने मुंबई को 137 रन पर रोका। यह था खेल के समाचार। टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाना, हाथ धोना बंद न करें, यह खास निर्देश है। कोरोना से डरिए मत, सावधान रहिए। बिल्कुल, हिंसक प्रदर्शन करने वाले दल के आगे झुके इमरान। तो यह थी आज की खबरें, फिर हम आपसे कल मिलेंगे। फिलहाल दीजिए मैं विदा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।